हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस तरीके का जाली वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए किस तरीके से ये बना रखा है। आप इसको गर्ल्स टॉप और बेबी स्वेटर, लेडीज स्वेटर में डाल सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने ब्लैक कलर में बना रखा है, एक पैटर्न मैंने इसमें बना रखा है। ब्लैक कलर में थोड़ा कम दिखता है और बहुत सुंदर लगता है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने ब्लैक कलर का ऊन ले रखा है और इसमें मैं फंदे डालूंगी एक पैटर्न बनाने के लिए। इस तरीके से मैं इसमें फंदे डालूंगी, एक फंदा ऐसे ले लूंगी। एक फंदा ये बना और फंदों को ऐसे ही बना लूंगा। इसी तरीके से इसमें मैं फंदे डाल के दिखाती हूँ। 27 फंदे मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इस रो को ऐसे बनाऊंगी। एक रो में इसमें ऐसे उल्टी बनाऊंगी बॉर्डर के लिए, बैक रो भी इसकी उल्टी बनाऊंगी। दो रो का बॉर्डर बना के दिखाती हूँ आपको कैसे ये पैटर्न बनेगा। देखिए बॉर्डर मैंने बना दिया। अब इसमें मैं पैटर्न शुरू कर रही हूँ। इस फंदे को ऐसे स्टिच कर लूंगी, एक दो तीन, और एक ये तीन फंदे ये बना दिए मैंने। अब ये धागा ऐसे आगे और इन फंदों को, इन दो फंदों को ऐसे पलट के ये तीन फंदों का एक करना है। एक फंदा ये जाली से बढ़ गया, जो ये दो फंदे यहाँ पर कम हो गए, एक फंदा ये दूसरी जाली से बढ़ेगा। ये तीन फंदे मैं बना लूंगी ऐसे, फिर धागा आगे, फिर ये दो फंदों को ऐसे, ये फर्स्ट वाला फंदा पहले इस नीडल में ऐसे ले लो, जो बीच वाला फंदा है उसको आगे से ऐसे भी ले सकते हो। फिर ये तीन फंदों को एक करना है, फिर धागा आगे, फिर तीन फंदे ऐसे बना लेने। तीन फंदे ये बना लिए। अब ये दो फंदों को ऐसे धागा आगे करके, जो पहले मैंने शुरू में बताया ऐसे, इन फंदों को ऐसे पलट लो। इन तीन फंदों को एक साथ ऐसे तीन का एक कर लेना, फिर धागा आगे, तीन फंदे ये बना लेना और एक फंदा मैं यहाँ पर ऐसे बढ़ा दूंगी। उस साइड शुरू करते समय चार फंदे हैं, तो एक फंदा ये भी यहाँ पर, एक दो और ये तीन, ये चार फंदे बच जाए। अब बैक रो देखना है इसकी। बैक रो मैं ऐसे बनाऊंगी इसकी, इसको स्टिच कर लूंगी, ये पूरे फंदे मैं उल्टे उल्टे बनाऊंगी। फिर आती हूँ तीसरी रो में, फ्रंट रो में क्या करना है। देखना ये आई मैं अब तीसरी रो पे। अब इसमें कुछ अलग तरीके से बनाना है। जैसे शुरू में मैंने यहाँ पर ये फंदा स्टिच किया था और अभी भी मैं इसको स्टिच करूँगी। अब ये तीन फंदे मैंने सीधे बनाए थे, इन तीन फंदों को मैं धागा ऐसे आगे करके ऐसे दो फंदे ऐसे पकड़ूंगी, ऐसे पलट लूँगी। बीच वाला फंदा आगे से आएगा, फिर ये तीनों फंदों को मैं उसी तरीके से एक कर लूंगी। पहले मैंने यहाँ पर तीन फंदे बनाए थे, अब धागा आगे, अब ये तीन फंदों को मैं, ये देखिए ये तीन फंदे पे मैंने पैटर्न दे रखा था पहले, अब इनको मैं सीधे बनाऊंगी।
ये बना दिए सीधे। फिर ये तीन फंदों को मैं ये दो फंदे ऐसे पलट के धागा आगे ये फंदा ऐसे बना लो और ये तीन फंदों के एक फंदा बन गया, ये एक फंदा ये बढ़ गया और दूसरा फंदा ये बढ़ेगा। अब तीन फंदे मैं ऐसे ही बना लूँगी। फिर धागा आगे इसी तरीके से दो फंदे पलट के ऐसे तीन का एक करना है। फिर धागा आगे, फिर तीन फंदों को मैं ऐसे बना लूँगी। ये पूरे पैटर्न में आपको यही रिपीट करना है जो मैंने शुरू में किया पहले, फिर उसके बाद तीसरी रो में दूसरा पैटर्न शुरू किया, ऐसे ही बनाना है। धागा आगे, तीन फंदे ऐसे बना लूंगी। अभी लास्ट के तीन फंदे, चार फंदे जो बचे, तीन फंदों को मैं ऐसे पैटर्न दूंगी उसमें ऐसे, और धागा ऐसे आगे, फिर तीन फंदों का एक करना है मुझे। फिर धागा आगे, इस फंदे को ऐसे बना लिया, और बैक रो इसकी उल्टी बनानी है। बैक रो उल्टी बना के फिर एक बार फिर दिखाती हूँ फ्रंट रो में कैसा ये दिखेगा, तो कैसा बना है। एक बार में ये तीसरी बार जो पैटर्न दे रही हूँ उसमें दिखा रही हूँ, स्टिच करूँगी ऐसे और ये तीन फंदों को मैं ऐसे बना लूँगी। फिर धागा आगे, ये दो फंदे इस वाले नीडल में ऐसे डाल के तीन फंदों का ऐसे देखे एक करना है। फिर धागा आगे, फिर तीन फंदे बना लेने। धागा आगे, दो फंदों को इस तरीके से तीन का एक करना है। धागा आगे, तीन फंदे ऐसे बना लेने। देखिए इस तरीके का ये बन गया। अगर आपको इस तरीके का पैटर्न बनाना पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।